नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पेटीएम वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। ये मुकाबला अब पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक तरफा सा लग रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हम सभी जानते हैं कि विंटर्स के सीजन में भारत में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को एडवांटेज होता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर रोल में रहता है, गेंद को ग्रिप करना उतना आसान नहीं होता है। हालांकि विराट कोहली की जिद शायद आज भारतीय टीम को ले डूबी। कहा यह जा रहा है कि भारतीय टीम में जहां पर तीनों ओपनर्स को खिलाने की बात की गई थी और तीनों ही ओपनर्स फॉर्म में थे, खैर विराट के पास ऑप्शन तो नहीं था, लेकिन आप एक गेंदबाज कम शॉर्ट होके खेले, साथ ही आपके पास मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट की कमी खली। इससे पहले आपको बता दें कि रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पारी का आगाज किया, लेकिन इस पारी के पांचवें ही ओवर में रोहित शर्मा के विकेट मिचेल स्टार्क ने ले ली। रोहित शर्मा उठाकर मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद मिचेल स्टार्क की गेंद पर वो डेविड वार्नर को कैच थमा बैठे। इसके बाद शिखर धवन और केएल राहुल के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन वही बात है कि आप छोटी पारियों से ही खिलाड़ियों को जज कर रहे हैं, बड़ी पारियों को देखते नहीं है। यहां पर शिखर धवन समय लेके बल्लेबाजी की, 91 गेंदों पर 74 रन बनाकर आउट हुए, सेट लग रहे थे। उसके बाद यहां पर केएल राहुल भी 47 रन बनाकर आउट हुए, जिन्होंने 61 गेंदों का सामना किया। कुल मिलाकर दोनों के बीच साझेदारी तो हुई, लेकिन इन्होंने गेंदें बहुत ज्यादा खेली, जिसका दबाव सीधा सीधा मिडिल ऑर्डर पर पड़ा। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर से उम्मीदें थी, लेकिन श्रेयस अय्यर भी 4 रन बनाकर चलते बने मिचेल स्टार्क की गेंद पर। इसके बाद विराट कोहली को आज चौथी बार एडम जांपा ने आउट किया है। ये विराट कोहली की कमजोरी ऐसा लग रहा है कि समझ में आई है ऑस्ट्रेलिया टीम को, क्योंकि हमने अब तक जिस तरीके से मुकाबले देखे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन देखा है, वो वाकई में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। बड़ी बात यह है कि विराट कोहली जो ड्रिफ्ट होकर गेंद जो अंदर की तरफ आती है, वहां पर लेग स्पिनर को अपना कैच थमा बैठते हैं, या तो फिर वो मिड ऑन की तरफ मारने की कोशिश करते हैं जो उनका क्रॉस बैठ जाता है, या फिर यहाँ पर विराट कोहली जो है वो पूरे तरीके से कमजोरी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में भी हमने कई दफा विराट कोहली को आउट होते देखा है। फिलहाल 256 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने दिया है, और ऐसा लगता है क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में 256 का जो लक्ष्य होता है वो इतना मुश्किल लक्ष्य नहीं होता, और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 40 से 45 ओवर के बीच में भी खत्म कर दे अगर भारत की गेंदबाजी अच्छी नहीं होती है। हालांकि बाद में आज भारत को थोड़ी बहुत जो भारत की इज्जत बचाई है वो पुछल्ले बल्लेबाजों ने बचाई है। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के बीच अच्छी साझेदारी हुई। ऋषभ पंत एक विकेटकीपर बैट्समैन के तौर पर थे टीम में, लेकिन एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी उन्हें खिलाया गया था। उन्होंने 33 गेंदों में 28 रन बनाए, एक छक्का और दो चौके जड़े। लगा कि ऋषभ पंत एक्सलरेट करके भारत के स्कोर को 280 से 290 तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत भी कमिंस की शॉर्ट गेंद को नहीं खेल पाए और पॉइंट पर कैच दे बैठे। वहीं रविंद्र जडेजा से भी उम्मीदें थी, लेकिन वो केन रिचर्डसन की गेंद पर कैच पीछे एलेक्स कैरी को थमा बैठे, जो विकेट कीपर हैं ऑस्ट्रेलिया के। वहीं शार्दुल ठाकुर से उम्मीदें थी आती, उन्होंने कुछ अच्छा हाथ दिखाया, लेकिन 10 गेंदों में 13 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद शमी ने 15 गेंदों में 10 रन बनाए, एक चौका उन्होंने जड़ा। कुलदीप यादव अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन स्टीव स्मिथ जब आपके सामने पॉइंट पर खड़े हो तो फिर उनके फील्डिंग से बचना जो है वो नामुमकिन सा लगता है। स्टीव स्मिथ ने यहाँ पर रनआउट किया। बड़ी बात यह रही कि कुलदीप यादव रनआउट हुए और उसके बाद कुछ खास अंतिम विकेट भी नहीं कर पाया। 255 पर भारतीय टीम जो है वो पूरे तरीके से बुक हो गई, और आज अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पूरे तरीके से डोमिनेटिंग रही है। मिचेल स्टार्क काफी समय बाद वापस आए हैं, 2015 के बाद से उन्होंने पहली बार भारत की धरती पर कोई मुकाबला खेला है। ऐसे में मिचेल स्टार्क को एक तरीके से हवा बना था उनका तो था ही, और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरीके से मिचेल स्टार्क को मौके दिए वो भी बेहद शर्मनाक है। और अब लगता है कि भारत को भी सोचने की जरूरत है कि क्या वनडे फॉर्मेट में आपका इतना बुरा हाल है। पिछले साल भी ऑस्ट्रेलिया जब अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं आया था, तब भी वो भारत को भारत में ही हरा के गया था, जबकि हम कहते हैं कि भारतीय टीम जो है वो घर पर किसी से नहीं आती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसके आगे भारतीय टीम ने घुटने देखे। एक और बात जो है मुझे जो समझ में आई, जो आज के पूरे मुकाबले में रही है अब तक, कि भारतीय गेंदबाज आज ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की पेस के आगे उन्होंने घुटने टेके। हम मानते हैं कि वानखेड़े की विकेट पर बाउंस होता है, गेंद पड़कर बल्ले पर भी लेकिन अच्छा आता है। जब रोहित शर्मा
शिखर धवन और केएल राहुल जैसे बल्लेबाज आउट होते हैं तो क्या भारत का मिडिल ऑर्डर इतना मजबूत है, अब ये भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि 10 में से 8 बार तो शायद आपको टॉप ऑर्डर चल जाएगा, लेकिन उन दो मौकों पर जब मिडिल ऑर्डर की जरूरत होती है तो मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जा रहा है। ऋषभ पंत लगातार खराब फॉर्म में है, संजू सैमसन को आपने पता नहीं किस रीजन से बाहर किया हुआ है, आखिर क्यों पंत को इतने मौके दिए जा रहे हैं ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि यहाँ पर भारत जो है अगर आज मुकाबला हारता है तो बहुत गलती से हारेगा, क्योंकि आज भारत के पास छठा बोलिंग ऑप्शन भी नहीं है, भारत के पास सिर्फ 5 बोलिंग ऑप्शन है जिसमें जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी 3 तेज गेंदबाज हैं, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के रूप में 2 आपके पास स्पिनर्स हैं। ऐसे में अगर भारत को छठे बोलिंग ऑप्शन की जरूरत पड़ती है तो जाहिर तौर पर भारत पूरे तरीके से बैकफुट पर आ जाएगा। यहाँ पर अच्छी टीम नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, डेविड वार्नर, एरन फिंच अच्छी फॉर्म में है, मानस लेबुशेन का डेब्यू है लेकिन वो लगातार रन्स बना कर आए हैं ऑस्ट्रेलिया के होम कंडीशंस पर। उसके बाद स्टीव स्मिथ वन ऑफ द ग्रेट इस समय क्रिकेट की दुनिया में, और उसके बाद अच्छी खासी इनकी बल्लेबाजी है, एस्टन टर्नर है, एलेक्स कैरी हैं, और कहीं ना कहीं अब ऑस्ट्रेलिया को अगर आपको रोकना है तो शुरुआती 10 ओवरों में आपको विकेटें निकालनी पड़ेंगी। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के विकेट अगर भारत को नहीं मिलती है तो भारत पूरे तरीके से बैकफुट पर आ जाएगा, फिर ये 256 का टारगेट जो है ये कहता ही आसान, जिसे शायद पूरी तरीके से आसान नजर आएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। अभी भी हम ये कह सकते हैं कि 70-30 जो परसेंटेज बन रहा है, 70 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड 30 इन फेवर ऑफ इंडिया, अगर भारतीय तेज गेंदबाज विकेटें चटकाते हैं तो फिर यहाँ पर समझ की बात होगी, क्योंकि दो जायंट्स का यहाँ पर मुकाबला है। लेकिन अभी भी भारत को बल्लेबाजी के बारे में सोचना होगा, भारत को अपना बैटिंग ऑर्डर सेट करना होगा, अगर बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं होगा, ये वर्ल्ड कप से हम आदत देख रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत को इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि भारत को बहुत ज्यादा वनडे क्रिकेट नहीं खेलनी है इस साल, लेकिन जब वनडे टूर्नामेंट्स आते हैं तब आप तैयारियां शुरू करते हैं एक साल पहले से, तो आप कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए सोचने का विषय है। आपकी क्या राय है कि आज का टीम कॉम्बिनेशन सही है, और क्या यहाँ पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाजी के सामने घुटने टेके हैं, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ हमारे चैनल ANP News को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।